आज महिलाएं किसी भी काम में पुरुषों से कम नहीं। घर के कामकाज से लेकर बात चाहे घर से बाहर निकलकर काम करने के ही क्यों ना हो, आज आपको हम एक ऐसी ही महिला के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने अपने 3 छोटे छोटे बच्चों की परवरिश रोजी रोटी कमाने के लिए घर से बाहर निकलकर काम करने का फैसला लिया। तस्वीरों में दिखाई दे रही ये महिला अंबाला छावनी की पहली ई रिक्शा महिला चालक रेणु रॉय है। शहर के देवी लाल नगर की रहने वाली रेणु ने अपने बच्चों की परवरिश और रोजी रोटी के लिए ई रिक्शा चलाने का निर्णय लिया और बन गई अंबाला की पहली ई रिक्शा महिला चालक। इसके लिए रेणु ने जैसे तैसे किराए पर ई रिक्शा लिया और कड़कती धूप हो या बारिश परवाह किए बिना सवारियों को उनके स्थान तक पहुंचाने का काम शुरू कर दिया। कुल मिलाकर रेणु राय का ये जज्बा नारी सशक्तिकरण की मिसाल है। किसी के आगे हाथ फैलाने से अच्छा रेणु ने खुद को इस लायक बनाया कि अब वो अपने बच्चों की परवरिश खुद कर सकती है। वही रेणु राय का ई रिक्शा चलाना महिला सवारियों को भी खूब खा रहा है। महिला सवारियां रेणु के जज्बे की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाती। वही रेणु का ये जज्बा अन्य महिलाओं के लिए भी एक मिसाल है। मैं सब महिलाओं को यही कहना चाहती हूँ, जैसे इसने अपने पैरों पे अपने बच्चों को पालने के लिए ये कदम उठाया, और लेडीज़ भी जो भी हैं अपने बच्चों को पालने के लिए मेहनत कर रही हैं, ठीक है, ये भी मेहनत करने के लिए निकली है बाहर, अपने बच्चों को पाले, कोई शर्म नहीं है इस काम में। चोरी चकारी में शर्म है लेकिन मेहनत करने में कोई शर्म नहीं। बरहाल रेणु को अब इंतजार है तो बस उस वक्त का, जब महिला सशक्तिकरण की बात करने वाली खट्टर सरकार के अधिकारी या नेता उसकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाकर उसे और सशक्त होने में मददगार बनेंगे। सर घर से मजबूरी है, बच्चे 3 बच्चे हैं और आदमी जितना कमाता है उससे घर खर्चा पूरा नहीं होता, 5-6 हज़ार रुपये उसकी तनख्वाह, कुछ बीमार चल रहे हैं वो, इस वजह से फिर मैं निकली, बच्चे को पढ़ाना है, घर का खर्चा है, हो नहीं रहा, इसलिए तो ये रिक्शा भी किराए पर ले रखी है। इसका किराया 500-600 रुपये जो भी बनते हैं अपना किराया निकाल के, फिर कई बार ऐसा भी होता है कि नहीं भी बनते। हाँ जी, अपना वो भी निकले काम करें और अपने बच्चे पालें, किसी के सहारे ना रहें। आदमी कई बार करता है कई बार नहीं करता, खर्चा भी नहीं देता, और इसलिए औरत को निकलना चाहिए घर से कि वो भी काम करे मेरी तरह। इंडिया एक्सप्रेस के लिए अम्बाला से राजकुमार शर्मा की रिपोर्ट।